के फंड और टैक्स आते हैं, जिससे जो है और इलाकों में यहाँ का पैसा जाता है और यहाँ एक शौचालय ना ठीक हो। फरीदाबाद के आजाद नगर सेक्टर 24 में करीब 9 महीने पहले रात के समय शौच करने के लिए गई बच्ची की बलात्कार के बाद निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसका मामला थाना मुजेसर में दर्ज हुआ था। उस वारदात को आज करीब 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी को पकड़ने में नाकामयाब रही। इसी को लेकर आज सैकड़ों लोगों ने सेक्टर 12 DC कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और ADC को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। सर, यहाँ पे आज से पहले अगस्त के 11 अगस्त को आजाद नगर की झुग्गी में एक घटना हुई। एक 11 साल की मासूम बच्ची, वहाँ का शौचालय खराब है, सुलभ शौचालय काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से वहाँ की बच्चियों की, वहाँ की महिलाओं को रेलवे ट्रैक पे जाना पड़ता है। रक्षाबंधन वाले दिन उस लड़की के पिता नहीं है, वो उसकी माँ है, किराए पे वहाँ रहती है। वो जो है माँ कहीं गई थी, वो शौचालय पे ट्रैक पे शौच के लिए गई रात के लगभग 8:30 या 9 बजे के करीब। वहाँ पे उस बच्ची के साथ निशंस रेप होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। आज तक तमाम सामाजिक संगठनों के लोग, तमाम लोग इस बात को लेकर के DC साहब से पहले भी मिल चुके हैं, CP साहब के वहाँ मिले हम लोग, और नगर निगम कमिश्नर से मिले। आज तक वो शौचालय ठीक हुआ ना, उस परिवार को प्रशासन और शासन का कोई व्यक्ति उस परिवार का आंसू पोंछने गया। आज तक उस हत्यारों क्या मांग रखी है आपने के वहाँ शौचालय बनाने की? सर, हमने तो पहले मांग रखी है, हमारी पहली मांग है कि जो है जल्द से जल्द उन बलात्कारियों को, उन हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और उनकी फांसी दी। जिस वजह से वो घटना हुई, उस घटना को तो तुरंत अब तक दुरुस्त कर देना चाहिए था कि आगे वो घटना ना हो। और उस पीड़ित परिवार के पास कोई अपना मकान नहीं, कम से कम उस पीड़ित परिवार को कुछ इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए प्रशासन को, कि उसको जो है कोई इमदाद मिल सके, प्रशासन की तरफ से कोई सहायता मिल सके। तो हमारी ये तमाम मांगे हैं जो ये पोस्टर पे लिखी हुई है। वहीं ADC अपराजिता ने लोगों से ज्ञापन लेकर उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई होगी और वहां पर शौचालय का निर्माण भी किया जाएगा। जी, इनकी मांगे ये है कि जो भी इसमें अपराधी थे उनको गिरफ्तार किया जाए, जो शौचालय में कमियां ही मिली। शौचालय बनाने की मांग भी इन्होंने की है कि शौचालय की वजह से ही वो हादसा हुआ, ऐसा कुछ कह रहे हैं लोग। हाँ, तो अभी मैं ज्ञापन मैंने लिया है, मैं इसको पार्टी को भी भेजूंगी। तो इस पर कार्रवाई होगी मैम शौचालय के लिए? गौर हो कि करीब 9 महीने पहले एक 11 साल की बच्ची का बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आज तक पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसी कड़ी में आज शहरवासियों ने DC कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। पंजाब केसरी TV के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।